नमस्कार मित्रों, सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है आपका। जी हाँ, सबसे पहले महाबली वायुपुत्र संकट मोचन हनुमान जी महाराज का आज अवतरण दिवस है, उस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हनुमान जी जिस प्रकार से वायुपुत्र हैं दोस्तों, तो वायु को शुद्ध करना है। वर्तमान में जो परिस्थितियां पैदा हो रखी है देश और विदेश में, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वायुपुत्र हैं, ऑक्सीजन के संचार प्रचुर मात्रा में हो सकता है। क्यों न हम आज के दिन हनुमान जयंती पर यज्ञ का घरों में, अपने अपने घरों में आयोजन करके ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू करें। दोस्तों, यज्ञ से प्रदूषण दूर होता है, यज्ञ ऑक्सीजन को बढ़ाता है और ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यज्ञ से श्रेष्ठ कार्य किसी को नहीं माना गया है। अगर शास्त्र सम्मत बात करें तो यज्ञ की अग्निहोत्री से कहते हैं कि जल पृथ्वी वायु की शुद्धि, इनकी आहुतियां देने से इनकी शुद्धि हो जाती है। जो आज डाली गई आहुतियां, आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में छोटा सा हवन करें। शाम को जो गोधूली वेला होती है उस समय अच्छा समय है, चौगड़िया है और बहुत अच्छा काल चलेगा। शाम को आप गोधूली वेला में अपने घर में सफेद वस्त्र पहनकर या पीले वस्त्र पहनकर, जो हनुमान जी महाराज के प्रिय वस्त्र हैं, काला और नीला नहीं पहने मित्र जी। हाँ, अगर आप ब्लू या ब्लैक पहन के सेवा नहीं करें, हनुमान जी की तस्वीर सामने रखें, एक छोटी सी जो धूप का जो होता है दीपक बड़ा, उसमें आप छोटी सी जोत करें और जोत करते हुए उसमें आहुतियां देते रहें और एक हवन के रूप में हवन सामग्री लेके उसमें गाय का घी मिक्स करें। दोस्तों, कहते हैं गाय के घी का जो 10 ग्राम गाय का घी है उससे कई टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। दोस्तों जी हाँ, तो क्यों ना गाय हवन सामग्री में गाय का घी, न तो ज्यादा गीला करें जो पदार्थों को, न ज्यादा सूखा रखें, और उनकी आहुतियां हनुमान चालीसा के साथ में दें। जी हाँ, यह पौराणिक चिकित्सा पद्धति है और जो मंत्र उच्चारण किए जाएंगे उससे हमारे मन मस्तिष्क और आत्मा पर विशेष प्रभाव डालते हैं, साथ साथ वातावरण को शुद्ध करते हैं। यज्ञ को हवि भी कहा जा सकता है, जिसको कहते हैं कि विष को हरने वाला, हवि मतलब विष को हरने वाला। जो वायुमंडल में वर्तमान में महामारी के रूप में प्रदूषण है, वो महामारी कोरोना के रूप में खत्म होगी और ऐसा सनातन धर्म के हिसाब से माना जा रहा है। मित्रों, हवन सामग्री में जो देसी घी है गाय का, उससे अग्नि में डालते ही औषधियां जलने से नष्ट नहीं होती बल्कि परिवर्तित होकर सूक्ष्म रूप में हमें प्राप्त होती है। जब एलोपैथी नहीं थी तो प्राचीन काल में आयुर्वेद था दोस्तों, और आयुर्वेद में इन्हीं वनस्पतियों से जो चिकित्सा की जाती थी, हवन सामग्री में जो औषधियां है उनमें कीटाणुनाशक होती है और सुगंध वर्धक होती है, स्वास्थ्य वर्धक होती है। मेडिटेशन एक्शन प्रॉपरली होता है, जो मेडिकल का जो एक्शन होता है वो प्रॉपरली होता है, पौष्टिक होती है और ऑक्सीजन वर्धक बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। जब औषधियां हवन कुंड में जलाई जाती है तो परमाणु रूप में सांस के माध्यम से एक ही नहीं बल्कि अनेक जीव जंतुओं तक पहुंचती है और परोपकार को सार्थकता के साथ में प्रेषित करती जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो रासायनिक क्रिया से ऑक्सीजन टनों में प्रोड्यूस होती है दोस्तों, साथ ही रासायनिक क्रियाओं से बने गैसे से पर्यावरण शुद्ध होता है, हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। यज्ञ से बचे जो अग्निहोत्री होते, अवशेष होता है, जो राख होती है, वो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाती है। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, यज्ञ में आहुतियां देते रहें, जिससे कोई नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही लाभ होगा। अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम धनुजवन कृषानम ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुण निदानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जी हाँ मित्रों, इसी संज्ञा के साथ में सादर जय सियाराम। और जी हाँ, अतुलित बल धामम जिस प्रकार से कहा गया है, उस हनुमान जी महाराज का आज अवतरण दिवस है। आज अपने घरों में यज्ञ की आहुतियां दें और घर ही नहीं पूरे वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करें। सादर जय सियाराम।